आज मेरे साथ राज्यपाल कुंडल जी, एक्स मिनिस्टर J&K बैठे हुए हैं और आज जो मसला है हमारा वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो BJP सरकार ने जो ड्यूटी बनाई, आपको जानकारी है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक आला रियासत थी, लेकिन अब SG आ गए, साहब आ गए हैं और जो भी कानून कायदा है वो दो किस्म का हो रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में। एक BJP सरकार चल रही है रियासत जम्मू कश्मीर में और दूसरे पास वो है अदर देन जो है कांग्रेस, NC, पैंथर पार्टी और दूसरे। ये जो BJP सरकार है वो बना रही है कि कैसे नुकसान जो है हम कांग्रेस को, पैंथर को, NC को, PDP को देंगे। हम आज जो मसला है वो ये है कि हम पांच जो एक्स मिनिस्टर हैं J&K, जिसमें गरुराम भी है, जसपाल कुंडल भी है, बाबू सिंह है, मूला राम है और एक्स जो MLA हैं वो भी 5-6 हैं। टोटल जो गिनती है वो 20 है। मैं प्रेस से बेनती करता हूं कि हमारा जो सिक्योरिटी थी, हमारा पास जो था PSO थे, ओनली दो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारी सिक्योरिटी है वो एक्स मंत्री, एक्स MLA, एक्स MLC जो थे विड्रा कर ली, और जो BJP के आदमी हैं, जो चाहे वो एक वर्कर है उसके पास भी दो PSO हैं, और जो एक्स MLA हैं BJP के, उनके भी पास जो है दो चार जो है PSO हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके थ्रू के जम्मू कश्मीर में जो है, जो हमारे लोग हैं, कांग्रेस के हैं, पैंथर के हैं, NC के हैं, या PDP के हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी है विड्रा कर लें ताकि ये लोग जीत के ना आए और जो हमारे लोग हैं BJP वाले वो वहां से जाएंगे, लोगों से काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे और बिना हम जो लोग हैं बिना सिक्योरिटी के घर में बैठ जाएं, ताकि इलेक्शन आने वाला है और ये चाहते हैं कि ये मर भी जाए, इनको मिलिटेंट भी मारे, सारे मारे, और जो है इसलिए उन्होंने जो है विड्रा की है हमारी जो सिक्योरिटी है। आपने देखा 4 जो एक्स हमारे CM है उनकी पहले जो है विड्रा की है सिक्योरिटी, जिसमें फरूख साहब हैं, जनाब ग्राउंड अभी एजाज साहब है और सारे हैं, लेकिन हम की जो कहते हैं BJP वाले भाई जम्मू जम्मू जम्मू, जो जी हिंदू सारे एक हो जाओ। मैं कहना चाहता हूं प्रेस के थ्रू के जे हिंदुओं को ही मार रहे हैं, हम विदाउट सिक्योरिटी अपने फील्ड में कैसे जाएंगे। इसलिए BJP का आदमी जो MLA भी नहीं है वो भी जाए, वो काम करे, अपनी पार्टी के जो लोग हैं रिसेंटली वो उनको एक एक सिक्योरिटी गाड़ी है और दो जो है PSO,
इसलिए हम कहते हैं यार जे इंसाफ जो हमारे साथ इसने बेइंसाफी की है, हम कहते हैं कि जे बीजेपी वाले जो लोग सरकार है उसको वोट ना दे, जम्मू वालों आपको चुन चुन के जो है जो मारेंगे। और मैं जशपाल कुंडल साहब से भी बेनती करता हूँ भी वो भी कुछ लफ्ज जो है वो कहें। जशपाल जी को बंद किया जा रहा है, हमें दो पीएसओ मिले थे जो इन्होंने विथड्रॉ कर लिए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको सिक्योरिटी कब्ज दिया हुआ है, उनको व्हीकल्स दिए हुए हैं, ड्राइवर दिए हुए हैं, उनको पीएसओ दिए हुए हैं। और हमें ये नहीं समझाते कि ये कैसे इन्होंने ये क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इसको सिक्योरिटी से बाहर निकाला दिया जाएगा, क्योंकि मैं बीजेपुर नेशनल हाईवे के ऊपर रहता हूँ। आपने देखा होगा कई बार सांबा में मिलिटेंसी जो है वो आ चुके हैं। मुझे याद है जिस दिन वो डेली एक्सेसर के वो सोटी जी, मैं वही खड़ा था जब उसको गोली लगी थी, वो बेचारा उधर गिर पड़ा था। मुझे पता है उस समय मैं एमएलए था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए, सरकार को दोबारा सोचना होगा और जल्दी से जल्दी जो लोग हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी पार्टियों के जो रूलिंग पार्टियों के लोग हैं उनको इन्होंने सिक्योरिटी भी दिए हैं, घर भी दिए हैं। और मैं ये कहूंगा अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और हम जस्टिस के लिए हम ये कहते हैं अगर सिक्योरिटी उठानी तो सभी से उठा लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन आप पिक एंड चूज करेंगे तो वी कैन नॉट लीव दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट। मुझे और मेरे साथियों को कोई नुकसान होगा, कोई मारेगा मेरे हमारे परिवार को मारेगा, तो उसका जुम्मावार जो है डीजीपी पुलिस होगा और उसका जुम्मावार जो है गवर्नर साहब होंगे। नंबर वन। नंबर दो जो बात ये है, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम हॉनरेबल को हाई कोर्ट में जाएंगे और जज साहब को कहेंगे कि हमारे साथ जेलसाजी हुई है। और आपका सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक